सो जैसे कि हम लोग क्रिएट डिजाइन पे जाते हैं, आपको सेम वैसे ही जाना है, क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को ब्रोशर या रिज्यूम का ऑप्शन दिखता है। जैसे आपको यहाँ पे ब्रोशर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक्चुअली ब्रोशर हम लोग इसलिए बना रहे हैं, आप लोग ब्रोशर के थ्रू सिलेबस को भी बना सकते हो, जो पीएसके का सिलेबस है, जो फुल स्टैक का सिलेबस आपको मिला है, सबको सिलेबस मिला है। मैं पीएसके का सिलेबस की बात कर रही हूँ, मैं कंटेंट में हूँ, जिसमें सी के पूरे टॉपिक्स लिखे हैं, एचटीएमएल के पूरे टॉपिक्स लिखे, मिला है ना? अच्छा ठीक है, तो क्या मिला है फिर आपको? वो पीडीएफ मिली होगी जिसमें पैकेजेस लिखे हैं और प्राइसिंग लिखी है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ी देर के बाद जैसे ये पढ़ा के हो जाएगा, मैं आप लोगों को सिलेबस सेंड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ब्रोशर बना रहे हम लोग, इसमें आप लोगों को पीएसके का पूरा सिलेबस लिखना है। ब्रोशर मतलब आप किसी कंपनी का छोटा पोर्टफोलियो बना सकते हो, उसकी सर्विसेस लिख सकते हो, ठीक है, या ब्रोशर में आप लोग मेनू कार्ड बना सकते हो। अगर रेस्टोरेंट है, होटल है, तो उसका आप मेनू कार्ड बना सकते हो। तो हम लोग जो ब्रोशर यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग पीएसके का सिलेबस लिखेंगे। क्लियर? ये जो ब्रोशर रहेगा, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, तीन पार्ट में, क्योंकि उसका जो फोल्डिंग होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो जब ये प्रिंटिंग करके आता है, तो ये तीन पार्ट में हम लोग उसको फोल्ड कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे कॉलेजेस का, या किसी कंपनी का, या किसी शॉप का, आप लोगों ने ब्रोशर देखा होगा, देखा है? तो वैसा ही ब्रोशर आप लोग पीएसके के सिलेबस को लिखने के लिए बनाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही सेम डिजाइन पे क्लिक करना है, ब्रोशर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, ब्लैंक टेम्पलेट दिखेगा, जिसमें तीन लाइन दिखेगी। तो ये तीन लाइन को देख के ही आप लोगों को बनाना है। नहीं तो आप क्या करोगे कि समझोगे कि ये एक इमेज बनानी है, आप सीधी सीधी इमेज बना दोगे, बट वैसा नहीं करना है। ये तीन लाइन के कंसेप्ट के हिसाब से आप लोगों को ब्रोशर में अपना सिलेबस डालना है। क्लियर? तो यहाँ पे अलग अलग ब्रोशर के टाइप दिख रहे होंगे आप लोगों को, फ्री वाले में ज्यादा है नहीं, बट कोशिश करना उसको ही रिडिजाइन करना, या आप खुद से भी रिडिजाइन कर सकते हो देख देख के। देखो, पेड वाला भले ही होता है, बट उसको देख देख के भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब क्या करना कि जैसे आपके पास ये पेड वाला है, मान लो मुझे ये वाला ब्रोशर अच्छा लगा, और आपके पास ये पेड वाला है, सो आप इसको अप्लाई, जितने पेजेस होंगे वो करवा दो यहाँ पे, ये 2 पेजेस का ये ब्रोशर है। अब ये डिजाइन अगर आपको अच्छा लगा है, तो इस टैब को, इसको टैब बोलते हैं, ठीक है, इस टैब को एज इट इज रखना, फिर से कैनवा में बैक करना, और फिर से आप ब्रोशर पे क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं पेड़ वाला, अगर आपको कोई पेड़ वाला अच्छा लगता है, उसके जैसा अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास पेड़ वाला है तो फिर आप लोग नहीं बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको देख देख के भी बना सकते हो। ये एक टैब ओपन है और ये एक पेड़ वाला टैब ओपन है। तो इसका ये जो ब्लू कलर है आपको अगर अच्छा लगा होगा, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाले बॉक्स में, यहाँ पे तीन लाइन दिख रही है क्या सबको? पीछे वालों को नहीं दिख रही है, बट जैसे आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना, ये एलिमेंट्स पे जाना, एलिमेंट्स से यहाँ से सर्कल स्क्वायर जो भी चाहिए आपको वो ले लेना।
फिर उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐसा डाल देना। इसके ऊपर कंटेंट तो आप लिख ही सकते हो। ये हो गया एक ब्लॉक। अब इसको कलर कौन सा दिया है, तो सेम कलर अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे से पता है, इस कलर पे क्लिक करना, यहाँ पे कलर पे चले जाना और ये कलर कोड जो भी रहेगा उसको कॉपी कर लेना। समझा? ये देखो ये कलर कोड आपको मिलेगा, इसको कॉपी कर लो। सेम अगर बनाना है तो फिर इसके कलर में जाके इसको पेस्ट कर दो। आ गया कलर? तो आप देख देख के भी बना सकते हो। ये सब कुछ मिलता है, ये सब कुछ मिलता है आप लोगों को, तो ये देख देख के भी आप लोग नए इसमें बना सकते हो। अगर कोई अगर आपको प्रीमियम वाला अच्छा लगे तो उसको देख देख के बना लेना, ठीक है? तो मैंने पीएसके के लिए एक ब्रोशर बनाया था। ओ एक सेकेंड दिखा देती हूँ, अगर इसमें होगा तो। बहुत कुछ बना है, दिख नहीं रहा कौन सा वाला था। ये A4 साइज का है। ये देखो ये ब्रोशर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के जो प्लान्स होते हैं हमारे, सो उसके लिए बनाया था। ये देखो ये ऐसा ब्रोशर मिल जाएगा आपको। कुछ पेड वाला था, क्योंकि ये वाला ईमेल आईडी मेरा पेड वाला नहीं है, ये कुछ पेड़ वाला था, मैंने कॉपी कर करके उसको बनाया था। दिख रहा है कि सबको? हाँ तीन पार्ट में डिवाइड था, मैंने उसको दो पार्ट में ला लिया है, क्योंकि कंटेंट का जो साइज था वो ज्यादा बड़ा था, तो मैंने उसको तीन पार्ट से दो पार्ट में ला लिया है। बट ये जब फोल्डिंग करके आएगा, सपोज इसको अगर मैंने प्रिंटिंग के लिए डाल दिया है, तो आप उसको तीन पार्ट के दो पार्ट भी करवा सकते हो। मतलब तो फोल्डिंग में जो आएगा, मैं उसको फोल्ड में, ये जो पिंक, क्या कौन सा कलर है, पीच कलर, तो वो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दूंगी और जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा उसके ऊपर ओवरलैप कर दूंगी। मतलब ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे कंटेंट बड़े थे। बट अगर आपके कंटेंट छोटे हैं तो आप तीन फोल्ड में भी उसको ला सकते हो। फोल्डिंग तो आपके ऊपर डिपेंड है, बट ब्रॉशर तीन फोल्डिंग का आता है, मिनिमम तीन फोल्डिंग का आता है, फिर तो बहुत भी आता है। ठीक है, कैनवा में तीन फोल्डिंग का दिया है, समझा? हाँ तो ये ऐसा ब्रोशर है, कंटेंट आपको मिल जाएंगे, आपको कंटेंट को देखना है और डिजाइन क्रिएट करनी है। ये कंटेंट कैसे लिखते हैं ये भी आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले इमेज बनाई थी इसीलिए। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछो। ये लगे तो ब्रोशर जो है, ये जो मैंने जो बनाया ब्रोशर है, मैं ये आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आपको आइडिया आ जाएगी। क्योंकि कैसा है, स्टार्टिंग में मैंने पीएसके के बारे में पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि अगर मैं किसी को ये ब्रोशर सेंड करती हूँ, जैसे क्लाइंट होते हैं,
उन लोगों को मुझे ये ब्रोशर सेंड करना होता है, तो उनको सबसे पहले लोगो दिखना चाहिए, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब दिखनी चाहिए, फिर उसके बाद प्लान दिखने चाहिए, ठीक है। और प्लान भी जो दिख रहे हैं, जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके हिसाब से मैंने टैगलाइन और पंचलाइन दी है, आप देख सकते। क्लियर? तो अच्छा ऐसा करके आपको बनाना है, सिर्फ कंटेंट कंटेंट नहीं डालने हैं। कंटेंट डालोगे तो वो ब्रोशर नहीं लगेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ अगर डालोगे तो वो ब्रोशर लगता है, समझा? ठीक है, अब एक और अगर होगा तो वो भी दिखा देती हूँ। और एक बनाया था बट अभी दिखेगा नहीं। हाँ, 4 पेज का, हाँ ये है एक, ये मैंने सी के लिए बनाया था। हाँ, ये पूरा बना नहीं था शायद, ये देखो। हाँ, ये पूरा बना नहीं था, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, इसमें क्या किया है, सेम मतलब पूरा नहीं बनाया था मैंने वो, तो इसमें लोगो डाल दो, इंफॉर्मेशन डाल दो, अपने ही पीएसके के ही जो स्टूडेंट्स है जिसकी इमेज हम लोगों ने आपको शेयर की है तो वो डाल दो। उसके बाद आप लोग क्या करो कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पीएचपी फुल स्टैक डेवलपर लैब स्टैक डेवलपर लिखा है, तो बीच में मैंने ये डाल दिया, साइड में उसके कंटेंट डाल दिए, तो ऐसा भी आप बना सकते हो। बट मैंने ये ज्यादा क्रिएट नहीं किया था इसलिए ये सिंपल आपको दिख रहा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा लग नहीं रहा ना। और एक ये है, ये तो ज्यादा मेरा प्रमोट हुआ था, मतलब मैं मोस्टली क्लाइंट को यही सेंड करती हूँ। ये एक डिजाइन है, आपको ये पेड़ वाली डिजाइन है एक्चुअली, तो हाँ शायद से पेड़ वाली डिजाइन है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लोगो डाला है, अपनी टैगलाइन डाली है, डिटेल्स वगैरह डाले, ये आपको टेम्पलेट में मिल जाता है, ठीक है। टेम्पलेट को देख देख के थोड़े चेंजेस करने हैं। फिर ये एक और पेज बनाया क्योंकि मुझे अबाउट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा अच्छे से डालना था, पीएसके की सर्विसेस अच्छे से डालनी थी, और पीएसके की जो टैगलाइन है वो उसको ज्यादा हाईलाइट करना था, तो हर एक पेज पे पीएसके की टैगलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक प्लान, ये आई थिंक हाँ ये इसका है, होस्टिंग का, डोमेन नेम एंड होस्टिंग, तो उसके यहाँ पे प्लान सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मैंने ब्रोशर बनाया था। अब सारे ब्रोशर में आप लोग अगर देखोगे तो मैं जो डिजाइन करती हूँ तो सेम सेम नहीं डिजाइन करती हूँ। अगर इस साइड अगर इमेज है और इस साइड अगर कंटेंट है तो नेक्स्ट वाले पेज में उसका अपोजिट कर देती हूँ, एक साइड में इमेज डालती हूँ और अपोजिट में फिर टेक्स्ट डालती हूँ। तो आपको ये देखो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर डिजाइन है तो यहाँ पे टेक्स्ट है, सेकेंड वाले पेज पे यहाँ पे डिजाइन है फिर यहाँ पे टेक्स्ट है, तो ऐसा डिजाइन होना चाहिए, नहीं तो सारे पेज एक जैसे दिख रहे हैं तो वो प्रॉपर ब्रोशर या डिजाइन या पीडीएफ अच्छा नहीं लगता है, तो उसको थोड़ा चेंज करो, ठीक है। अच्छा तो ये एक ब्रोशर है, ये एक्चुअली 3 फोल्ड का ही है, अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो ये देखो ये ओवरलैप किया है उसके साथ, दिख रहा है? तो ये 3 पेज का ही ब्रोशर है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को पीएसके के सिलेबस के लिए बनाना है, जो सिलेबस मैं अभी आप लोगों को सेंड करूंगी। ओके, अच्छा इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ये सब कुछ टेम्पलेट का ही यूज करके बनाया है, सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, मुझे पता है कि फ्री में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, एकदम देख ही लेती हूँ ये, क्योंकि फ्री वाला है। इसमें क्रिएट डिजाइन, एक बार फिर से बता रही, क्रिएट डिजाइन ब्रोशर कहा गया, ब्रोशर
यही वाला ब्रोशर लेना है, बहुत सारे हैं वैसे बट यही वाला लेना आपको। ये देख, अच्छा है, फ्री में है ये अवेलेबल, ठीक है, बट ये वाला यूज नहीं करना है। जो मैंने डिजाइन लिया है उसको नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी ये बन चुका है, ठीक है, तो ये वाला डिजाइन कोई यूज नहीं करेगा। क्लियर है क्या सबको? बाकी तो बहुत सारे फ्री है वैसे तो, बट अगर एजुकेशन ट्रेनिंग, हाँ है फ्री, ये फ्री वाले ही है, ये पेड़ है, बट सोच समझ के कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप लोग पीएसटी के लिए ब्रोशर बना रहे हो तो सोच समझ के बनाना है। इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं करना है, समझा? जिसका ब्रोशर मुझे अच्छा लगेगा मैं उस ब्रोशर को प्रमोट करूंगी, बट कोई भी इस ब्रोशर को सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है? तो आप मुझे बेस्ट से बेस्ट ब्रोशर बना के दिखाओगे आज सिलेबस के लिए, और जिसका अच्छा लगेगा उसको हम लोग आगे में कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो ये अभी आपका टारगेट है आज का, कि आप ब्रोशर कितना अच्छा बनाते हो और पीएसके के लिए उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? वैसे तो मेरा तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है कि मैं ब्रोशर बना ही रही हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया, बट अगर आप भी अच्छा बनाते हो, मेरे से भी अच्छा बनाते हो, तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे पता है कि आप मेरे से अच्छा बना सकते हो। बनाओगे ना? ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो मैंने ब्रोशर बनाया है उसका ये वाला वेबसाइट प्लान का मैं ब्रोशर भेज देती हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग का है वो ब्रोशर भेजती हूँ, बट ये ब्रोशर जो मैं आप लोगों को भेज रही हूँ ये आप लोगों को पीएसके में ही यूज करना है, दूसरे तीसरे किसी को भी देना नहीं है, समझा? ठीक है, तो ये ब्रोशर दे ही देती हूँ मैं, बट आप लोगों को इसके थ्रू क्या करना है कि सिलेबस का ब्रोशर बनाना है क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसके कंटेंट यूज नहीं करना है। कंटेंट मतलब कौन से कंटेंट? ये वाले, ये भी बता देती हूँ, आप ये फर्स्ट पेज का कंटेंट यूज कर सकते हो, बिकॉज ये फर्स्ट पेज में तो लोगो कॉन्टैक्ट नंबर यही दिया है, बट आप लोग हेड ऑफिस काटोल रोड वाला छावनी नहीं डालोगे, फॉर्चून मॉल डालोगे, जो मैंने आप लोगों को एड्रेस दिया है वो, समझा? और मोबाइल नंबर जितने लिखे हैं वही डालना है, ईमेल आईडी जो है, वेबसाइट जो है वही डालना है, साथ में पीएसके का लोगो तो वही है, बाकी सब वही है। ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड पेज के कंटेंट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट उसके बाद के जो कंटेंट है ये होस्टिंग के पैकेज है, आप लोगों को इसके रिप्लेसमेंट में जो मैं सिलेबस आपको सेंड करूंगी वो डालना है, समझा क्या? हाँ क्योंकि आप लोग गलतियां कर रहे हो, समझ में आया? लिख के रखो, नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि वैसे मैं जैसे पढ़ा रही हूँ तुरंत तो आप नहीं कर रहे हो, तो बेस्ट वे कि आप लिख के रखो, जो मैं आप लोगों को ब्रोशर सेंड करूंगी उसके दो पेज आप कॉपी कर सकते हो कंटेंट के, और एड्रेस जो मैंने बोला है फॉर्चून मॉल वही डालना है आपको, बाकी जो पेजेस है उसमें आपको चेंज करना है, बट ये वाला डिजाइन कोई नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना चुकी हूँ पोस्टिंग के लिए, तो ये डिजाइन आपको किसी को भी नहीं लेना है, ठीक है? हाँ सबका ना ऐसे अलग अलग शो होना चाहिए, जैसे ये मैंने पोस्टिंग के लिए बनाया, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ऑलरेडी बन चुका है तो वो भी यूज नहीं करना है, ये डिजिटल मार्केटिंग का भी मैं आपको सेंड करूंगी, ये भी डिजाइन कोई यूज नहीं करेगा, क्लियर? क्योंकि वो डिफरेंशिएट होने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये है और होस्टिंग के लिए जो प्लान्स बने हमारे वो है,
तो अभी आप लोगों को एजुकेशन के लिए बनाना है इन दोनों के डिजाइन को छोड़ के। मैं ये भी लगे तो सेंड कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसा बनाना है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट अभी पूछ लो, कि टाइम है। कोई डाउट नहीं है, पूछ लो पूछ लो। अच्छा एक काम करना, व्हाट्सएप पे सब लोग अपने नाम से मैसेज डालना, क्योंकि मेरे पास किसी का भी नंबर सेव नहीं है, सिर्फ सानी का और सानिया का सेव है और अपेक्षा का पता नहीं। तो एक काम कर लो, सब लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दो खुद के नाम का। हाय का मैसेज मत डालना, मैं हाय से थोड़ी ना सेव करूंगी, बराबर। पूरा नाम डाल देना, क्योंकि दो नाम के दो लोग हैं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, और मेरे पास आप लोगों के नंबर सेम नहीं है। ठीक है, मेरा नंबर सेव है सबके पास? क्या नंबर है मेरा, फिर उस दिन क्यों पूछा था मुझे? है 9970141416, ये मेरा नंबर है 9970141416। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर लो। और आप लोग अभी ये बैच होने के बाद व्हाट्सएप पे खुद के नाम से मैसेज डालना, पूरा नाम लिखना। ठीक है, उसके बाद और कुछ? मैं आज इतना ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद और भी है कि वो पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो मुझे बताना है, तो आज नहीं बताऊंगी। इतना पहले टास्क आप लोग आज कर लो, और डाउट है तो अभी पूछ लो। मैंने आपको कैनवा पढ़ाया, इमेज पढ़ाई, वो समझा? इन्फोग्राफिक सबका अच्छा था, वीडियो सबको बनाना आ रहा है, बहुत अच्छा बना रहे हो आप लोग, सीरियसली बहुत अच्छा बना रहे हो। ठीक है, मतलब दिख रहा है इम्प्रूवमेंट, दिख रहा है आप लोगों का इम्प्रूवमेंट। जो पहले फर्स्ट डे जो आपने इमेज बनाई थी और अभी इमेज देखो, आप लोगों को लग नहीं रहा है कि आपने इम्प्रूवमेंट किया है? कितने लोगों को नहीं लग रहा है कि नहीं हुआ है हमारा इम्प्रूवमेंट, हमको नहीं जम रहा है, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार है। एक महीना हम लोग करेंगे, पीएसके में रहेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। कितने लोगों को लग रहा है बेटा, हाथ ऊपर कर लो। छोड़ना है क्या 6 महीने तक पीएसके को, या पकड़ना है? मैम और सर को पूरा पूछ पूछ के परेशान करना है, है ना? दिख रहा है आप लोगों का इम्प्रूवमेंट, मुझे पूरा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट डे की आप लोगों ने इमेज बनाई थी उससे तो बहुत ज्यादा बेटर अभी आप लोग बना रहे, बहुत ज्यादा बेटर, बहुत अच्छे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी, आप लोगों ने देखा भी होगा, अप्रूवल भी दे रही हूँ। पहले एक ही इमेज को अप्रूवल देने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा था, अभी तो बहुत अच्छे बना रहे हो। और कल आप लोगों ने प्रशांत सर के लिए जो इमेज बनाई, और मेरे लिए, सर के लिए, टीचर्स डे के लिए इमेज बनाई, ऑसम, बहुत अच्छी थी। मैंने देखी फेसबुक पे आज, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया था, मैंने शेयर भी किया और लाइक भी किया, बहुत अच्छी इमेज बनाई है। गुड गुड जॉब। अभी टास्क क्या है आप लोगों का, आप लोगों को बनाना है ब्रोशर। ठीक है, जिसका अच्छा लगेगा उसको प्रमोट करेंगे, सो अपना बेस्ट दे दो, बेस्ट। और टाइम लगेगा मुझे पता है, ब्रोशर बनाने में आपको 2 घंटा लगेगा, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगता है, तो पकड़ के चलो 2 घंटा लगेगा। और ये लगता है क्योंकि कंटेंट एडजस्टमेंट में ब्रोशर, इमेज, इमेज जैसा ब्रोशर नहीं होता है, इमेज इजी है ब्रोशर से, ब्रोशर बनाने के लिए 2 घंटा लगता ही है, और मुझे पता है वो लगेगा। तो आराम से बनाओ, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मत करो डिजाइन। मैं चाहती हूँ कि सबका डिजाइन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अश्विनी एक काम कर लेना, जब सब लोग, अश्विनी जब सब लोग डिजाइन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो टेम्पलेट ब्रोशर के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो एक बार चेक कर लेना कि किसी का रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे रिपीट वाला नहीं चाहिए,
सब लोग अगर अलग अलग डिजाइन पे वर्क करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो में आप लोगों ने दो तीन लोगों ने सेम सेम किया था, मैंने बोला भी था लोगो रिवील के वीडियो में। तो बेस्ट वे कि सब लोग अलग अलग डिजाइन बना, तो मुझे जज करने में भी बहुत इजी हो जाएगा, सर को भी इजी हो जाएगा, इसीलिए तो सब लोग डिजाइन अलग अलग सिलेक्ट करो, ठीक है? जो मैंने दो बनाए उसको छोड़ के बाकी कोई भी डिजाइन ले सकते हो, बट अपना जो पीएसके है उससे रिलेटेड लेना, नहीं तो वहां पे वो खाने का कुछ है, मतलब रेस्टोरेंट के ब्रोशर्स है, उसको लेके मत बनाना, पीएसके कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है? कल हो गया वो सब कुछ, ठीक है? तो अभी आपके पास कुछ वर्क है, सर ने कुछ दिया है? हाँ या ना? ठीक है, नहीं दिया है तो आपके पास 2-3 घंटे, 2-3 घंटे में ब्रोशर बन जाएगा। एक बार सब लोग डिजाइन चूज कर लो, और अश्विनी मैम को और अमरीन को, अमरीन मैम को दिखा दो, और अगर सबके डिफरेंट है तो बनाना स्टार्ट कर दो, ओके? और एक बात, जैसे आप लोग ब्रोशर बना लोगे, ठीक है, उसको शेयर करते समय आप लोग पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करोगे, पीएनजी नहीं, जेपीजी नहीं, वीडियो नहीं, उसको आप पीडीएफ में सिलेक्ट करोगे, पीडीएफ स्टैंडर्ड, ठीक है? पीडीएफ स्टैंडर्ड आपको सिलेक्ट करना है, ताकि जितने भी पेजेस का ब्रोशर बनेगा वो सारे पेज पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड होंगे, मतलब एक ही पीडीएफ बनेगा, समझा? कोई भी जेपीजी पीएनजी में नहीं भेजेगा, सब लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके स्काइप पे भेजेंगे, क्लियर? अब किसी को डाउट है? इस बार पूछना पड़ता है बेटा, डाउट है क्या बोलो? मैम लंच का पूछ रहा है, आज लंच का टाइम नहीं है, लंच नहीं मिलेगा आपको, भूख लगी है क्या? घर से खा के नहीं आते हो क्या?